जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से बिहू नजर आ रहा है। आज तो मौसम खुला हुआ है, कल तो दिन भर बारिश होती रही है, तो आज कुछ मौसम अच्छा है, तो प्लांट भी बढ़िया अच्छे हेल्दी है। कुछ इस तरीके से गार्डन का लुक है, तो चलिए सबसे मिलवाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये लौकी की बेल है। उस देखिए इसमें कितनी सारी लौकी आना शुरू हो गई है, देखिए फूल भी आ गए हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए लौकी लौकी आ रही है। गिन के दिखाएं आपको, देखिए एक एक ये आ रही है, दो तीन, मतलब इस तरीके से पांच छह लौकियाँ आ रही हैं, आठ लौकी आ रही है, आठ लौकी क्या है। लेकिन आप ये देखिए, एक तो ये फूल खिला हुआ ही है, बल्कि इसमें सब फीमेल है, मेल एक भी नहीं है। तो हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम सबको हटा देते हैं। इसकी हाइट भी कम है, ये देखिए हटा देते हैं। क्यों? हाँ, सभी को हटा रहे हैं, जो खिलती जाएंगी उनको हटाते जाएंगे। अगर अगर होगा मेल कहीं तो ले लेंगे। हाँ ये सही है, जिनके फूल खिलते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ। इनका खिला और संभावना है कि देखिए। हाँ देखिए, सुंदर लग रहा है। देखिए लौकी का फूल कितना सुंदर होता है अंदर से, देखिए इतनी सारी लौकी बनती प्रॉपर होता तो। और एक ऊपर भी तो है, नहीं है ना। अच्छा, तो इस तरीके से ये हमने इसलिए किया है क्योंकि सारी लौकियाँ फीमेल फीमेल है, मेल एक भी नहीं है, इसलिए हमने सारी लौकियाँ देख चुके हैं कई बार कि मेल हाँ। होता है तो फिर नहीं होती है, वो बड़ी होती नहीं है, वो होती नहीं, कहीं से पोलन आते नहीं है। हाँ। तो प्लांट्स और प्लांट दूसरे प्लांट में दूसरे में भी नहीं है, उस वाले में भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए कद्दू बड़ा होना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो कद्दू एक वहाँ पर भी आ रहा है और एक यहाँ पर है, तो कद्दू की बेल में कद्दू आने लगे हैं। और चोले की भाजी देखिए आप, ये भी ग्रोथ बड़ी होने लगी, पत्ते इसके देखिए। और कुछ हमने नर्सरी डाली थी, ये कौन से बीज है? ये सफ़ेद खीरा का है और बरबटी का है ना, तो ये भी हमको लगाने हैं, तो आज हम ये भी लगाएंगे। देखिए बरबटी में ये बरबटी आना शुरू हो गई है, देखिए फलियाँ लटक रही हैं, ये देखिए। तो गार्डन में सब चीज़ देखना बड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों देखिए, ये भिंडी के बीज हम लगा दे रहे हैं। तो चार बीज हमने यहाँ लगा दिए हैं और चार बीज यहाँ लगा दिए हैं। तो एक पौधा वहाँ लगा देंगे, एक पौधा जो रेडी हो गया वहाँ लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बरबटी का एक पौधा और लगा दे रहे हैं हम। ये हम आ गया है, तो हम सोचे इसको लगा ही दें, है ना। और ये न्यू सीड्स हैं, ये पुराने वाले थे और ये नए सीड्स जो लगा देते हैं। एक को डिस्टर्ब है लेकिन लग जाए, जिस जगह पानी से इनका डिस्टरबेंस हो गया था, पानी बहुत तेज बढ़ गया, नीचे रखना था, खड़ा है ना। अपन देखो गल्ला नीचे से ये तो पूरा ही खराब हो गया है। गल्ला हुई तो नहीं जाना, क्या पता होगा इसका, पता नहीं, सीधे थोड़ा सा और गहरा कर रहा है उसको दबाते हुए जड़ में। वो जाए तक है। और दोस्तों यहाँ पर हम ये कुकम्बर खीरा है, हरा वाला जो आता है वो, एक सफ़ेद वाला भी हम 20 बीज लेकर आए थे लेकिन वो भी आया नहीं है। अगर वो आ जाएगा तो उसको भी लगाएंगे, अभी ये तो लगा ही देते हैं। जो ऑलरेडी दो लगे हुए हैं, दो में से कोई एक रखेंगे हम और एक और लगा रहे हैं। बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है इनको। के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।